नमस्कार, मैं हूँ प्रीति भारद्वाज, द इंडियन वाव मॉम। मैं मेरे चैनल पर बच्चों के बुक्स के रिव्यू देती हूँ और वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, बिकॉज़ आपके बच्चों के लिए कोई भी बुक लेने से पहले रिव्यू देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वह आपके बच्चे को पसंद आएगी कि नहीं। इससे पहले मैं 3 बुक्स का रिव्यू दे चुकी हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिव्यूज़ के अपडेट्स आते रहेंगे। आज मैं कौन से बुक का रिव्यू देने वाली हूँ? आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ बबल सीरीज़ का। व्हाट इज़ इट? सो बबल्स एक बुक सीरीज़ है। दिस इज़ 9, 7, 5, 4, 10। इसमें जो बेबीज़ हैं, स्पेशली लाइक टॉडलर्स, जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है या आसपास के एनवायरनमेंट का पता लगा है, तो उनको हम स्टोरी के वे से बताते हैं क्या गलत है क्या सही है, एंड उस वे से वो सीखते भी हैं। मेरी डॉटर को बबल्स कैरेक्टर, जो कि एक मंकी है, बेबी मंकी, वो बहुत पसंद है। सो इस बुक में कैसे बताया जाता है बच्चों को, सी लाइक दिस इज़ बबल्स प्लेज विद फायर। Mommy, can I have a So see this character with the teddy. So my daughter relates because उसको भी soft toys बहुत पसंद है, वो उनके साथ ही खेलती और घूमती रहती है। So what is this? Oh, a box of matches. Fire, bubbles makes fire. Oh no. Wow. Bubbles, what happened? Mama asked. I must put out the fire quickly. Wah, wah. Bubbles, are you all right? Let Mama have a look at you. Mama, it is painful. Bubbles, it is very dangerous to play with fire. Look at what it did to your teddy. It can do the same to you. You must never play with fire again. Yes, Mama. And at the end of the book, they have questions like, what did Bubbles find in the kitchen? What did he do with it? So this way, these questions आपको बच्चों को help करते हैं ये जानने में कि story में क्या था, उन्होंने क्या सीखा। Like, how did mommy put out the fire? तो आप बता सकते हैं कि मामा ने फायर कैसे put out की, because उन्होंने टॉवल को और बेडशीट को जो है टेडी पर रब किया या डाल दिया, जिससे फायर जो है वो बंद हो गई। सो इससे हम एक ही पर्पस नहीं सॉल्व होता, बिकॉज ये इंटरैक्टिव बुक है, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को इंटरेस्ट आता है और मेरी डॉटर तो बहुत सीख गई है। जैसे कि उसकी फेवरेट बुक है बबल्स गोज़ टू स्कूल, देन बबल हैज़ अ टूथेक, बबल ओन्स अप, बबल इज़ केयरलेस, बबल इज़ ऑनेस्ट, दिस एंड बबल्स इज़ लॉस, एंड दिस वन मोर आई एम नॉट फाइंडिंग इट, दैट बबल इज़ लिटरिंग। सो दिस वे यू नो उसने सीख लिया है, अभी कहीं भी उसको कुछ भी कचरा मिलता है, इवन इन द पार्क इन द प्ले ग्राउंड शी पिक्स इट अप और वो उसको डस्टबिन में डाल देती है। सो ये उसने बबल्स की ही सीरीज से सीखा है। डेफिनेटली मैं ये बुक आपको और आपके बच्चों को रिकमेंड करूँगी। ये 40 रुपीज़ की है एंड मोस्टली 30 to 40 रुपीज़ की है, ये आपको किधर भी मिल जाएगी। आई थिंक ये ऑनलाइन भी प्रेजेंट है। इसकी सीरीज़ है, सी एज ग्रुप इसमें मेंशन है, दैट इज़ 2 to 6 ईयर्स, 1, 2, 3, 4, ऑल द एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीख जाए, ठीक है। एंड सी ज़ोर ज़बरदस्ती से बच्चा कभी नहीं सीखता है, मैं तो एटलीस्ट उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली ये बुक्स के थ्रू मेरी बच्ची ने बहुत सीखा है और वो उसको अप्लाई भी करती है। तो आज का रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। और बुक्स के रिव्यू के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर इस बुक से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।